हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विक्ट्री बाइलिंग क्लासेस। मैं आपका जगह प्रजापति। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं यूकेरियोटिक कोशिका का क्लासिफिकेशन। इसके पहले आप लोगों ने देखा था यूकेरियोटिक कोशिका के अंतर्गत प्लांट कोशिका का इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे गए एक नामांकित चित्र, एक सुंदर सा डायग्राम। तो आज मैं आपको क्लासिफिकेशन बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आइए देखते हैं यूकेरियोटिक कोशिका का क्लासिफिकेशन। इसके पहले आप लोगों ने देखा था कि सेल जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। केंद्रक की उपस्थिति के आधार पर सेल दो प्रकार के, एक होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक होता है यूकेरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है सूक्ष्म जीवों में, जैसे बैक्टीरिया हुआ, साइनोबैक्टीरिया हुआ, ठीक है। और यूकेरियोटिक कोशिका प्लांट और एनिमल के अंतर्गत आता है। चलिए उसी चीज को मैं क्लासिफिकेशन करने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे है यूकेरियोटिक कोशिका, यहां क्या लिखते हैं इसको, यूकेरियोटिक सेल, ठीक है। ये है यूकेरियोटिक सेल। यूकेरियोटिक सेल को जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो ये दो पार्ट में बंटवारा होता है। ध्यान से इसको देखिएगा, दो पार्ट में होता है। सबसे पहला ऊपर वाला भाग जो होता है इसको हम सेल मेम्ब्रेन कहेंगे, या इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये हुआ आपका कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, एक ये पार्ट हो गई। दूसरा पार्ट इसमें आता है सेल वॉल। क्या आता है? सेल वॉल। अब ये दोनों अलग अलग जंतु में आपको ये हो गया सेल मेम्ब्रेन हो गया, और पादप में सेल वॉल हो गया। तो हम यूकेरियोटिक कोशिका अर्थात जंतु कोशिका, पादप कोशिका दोनों की बात यहां पे कर रहा हूं, ठीक है। तो ये समझिएगा कि भाई जंतु में है, ठीक है, और ये क्या है, ये पादप में। तो पादप में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतु कोशिका में सेल वॉल नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो चलिए ये बात हो गई एक साइड में। तो मैं आपको यहाँ पे ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पर एक सेल यहाँ पे ले लिए, ठीक है, सेल ले लिए, और सेल के ऊपर क्या एक लेयर बना दिए। एक सेल मेम्ब्रेन था, एक सेल मेम्ब्रेन है, और एक क्या है, कोशिका भित्ति है, ठीक है। एक सेल मेम्ब्रेन है ना, एक क्या है, कोशिका भित्ति है, ठीक है। ध्यान से तो ये सब होगा, उसके अंदर ये लिक्विड फॉर्म है ना, और बीच में क्या है, केंद्रक है, बीच में क्या है, केंद्रक है, और साथ में आगे चारों तरफ जो द्रव बिखरे हुए हैं इसी के अंतर्गत बहुत सारे कोशिकांग इसमें डूबे हुए रहते हैं, उसका सबका नाम देंगे। और कौन कहां पर हम लिखते जाऊंगा, यहां पर दिखाते जाऊंगा, ठीक है। देखिए दूसरा जो यहां पर है, दूसरा पार्ट हमारा यहां पर होगा जीव द्रव जिसको कहते हैं प्रोटोप्लाज। अब जीव द्रव है, तो जीव द्रव कहां कहां होगा, देखिए ये केंद्रक के अंतर्गत भी लिक्विड फॉर्म होगा ऊपर, और ये कोशिका भित्ति के अंदर, और केंद्रक के है ना बाहर, ये जो बीच वाला जो भाग है पूरा, इसी को बोलते हैं साइटोप्लाज्म, और ये है केंद्रक, मींस केंद्रक द्रव है, दोनों मिला देंगे तो जीव द्रव होगा, प्रोटोप्लाज्म। देखिए कैसे, तो ये जीव द्रव को दो क्लासिफिकेशन करते हैं। तो इसका एक भाग आता है कोशिका द्रव। क्या आता है? कोशिका द्रव, जिसको बोलते हम हैं साइटोप्लाज्म, या इसको बोलते हैं साइटोसोल। चलिए कोशिका द्रव हो गया है ना, ये वाला भाग हो गया, ये हो गया कोशिका द्रव। देखिए यहां मिला देता हूं, कोशिका द्रव हो गया, ये वाला भाग भी, ये सब हो गया, ठीक है, ये वाला भाग सब, ये सब हो गया। चलिए अब बात करते हैं कोशिका द्रव, इधर क्या होगा, केंद्रक, ये क्या होगा, केंद्रक न्यूक्लियस, ठीक है। अब बात करते हैं इसके अंतर्गत क्या होगा, कोशिका द्रव जो होता है, कोशिका द्रव ये जो फॉर्म है केंद्रक के बाहर कोशिका भित्ति के मध्य में, ये सारे कोशिका द्रव है ना, और इसी में देखिए दो रचनाएं मिलती है, एक सजीव और एक निर्जीव। एक सजीव रचनाएं होती हैं, सजीव रचनाएं कोशिका द्रव के अंतर्गत सजीव रचनाएं, और एक होता है निर्जीव रचनाएं, मेटाप्लास्टस भी कहते हैं इसको, है ठीक है। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, देखिए इसके अंतर्गत जो होगा सबसे पहले सेंट्रोसोम वाले सब ले लेते हैं, फिर आपने देखा राइबोसोम, ये सब आपको आएगा, ये प्रोटीन संश्लेषण करता है, ठीक है। चलिए ये गुणसूत्र के आसपास में है, और ये है इसका तारक काय बोलते हैं, इसको राइबोसोम बोलते हैं, अंतविष्ट पिंड बोलते हैं हिंदी में। जब इसका एक एक करके डिटेल्स आप देखेंगे तो सबकी डिटेल्स जानकारी आपको मिलेगी। तो राइबोसोम, उसके बाद सेंट्रोसोम, राइबोसोम हो गया, अब होता है लाइसोसोम,
लाइसोसोम आत्महत्या की थैली सुसाइड बैग बोलते इसे हैं। उसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद यहां होगा इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम। इसमें सेल और रेत दो को भाग होते हैं, है ना। चलिए एक ये हो गया। अब आता है प्लास्टिड, प्लास्टिड लवक, है ना। चलिए और इसमें क्या बचा हुआ है, हाँ, गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी, गोल्जी का, है ना, इसको बोलते हैं, और गोल्जी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, गोल्जी अपरेटस भी बोलते हैं, इसी को सारे नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे हो गया, ये सारे हो गए आपके सजीव रचनाएं, जिसका एक एक वर्णन आपको मिलता है। निर्जीव रचनाएं में हम पढ़ेंगे, कोशिका द्रव्य में निर्जीव रचनाएं भी होती हैं, वो कौन कौन सी होती है, ये होता है वसाकण, ये होता है तेलकण, वसाकण तेलकण, ये पित्त होगा, पित्तरस जो है। उसके बाद आपको है श्रावित, श्रावित कणिकाएं हैं, है। उसके बाद रसधानी, रसधानी वैक्यूल्स, वैक्यूल्स होती है। उसके बाद एक साइड केंद्रक बचा हुआ है, अब इसे अंदर वाला जो रचनाएं होती है ये कहां है, ये तो सबसे पहले अब इसमें इसी सब में जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, ऐसे हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इधर भी कहेंगे डूबा हुआ रहता है। उसके बाद है ना ये जो गोल्जी बॉडी देख रहे हैं, गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी इस तरह से होता है। उसके बाद है ना ये इंडोप्लाज्मेटिकुलम इस तरह से होता है, राइबोसोम इस पे दाने दाने संरचना होती है इस तरह से, है ना, ठीक है। और ये केंद्रक द्रव है, बीच में क्या है केंद्रिका है, ऐसे करके बहुत सारे। अब मैं यहां बताता हूं केंद्रक, तो केंद्रक में आएगा सबसे पहले केंद्रक द्रव, दूसरा आता है केंद्रक झिल्ली जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म, केंद्रक झिल्ली। उसके बाद आता है केंद्रक जालिका, केंद्रक जालिका, और आएगा क्लास में केंद्रिका, ये केंद्रिका, ये चार चीज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे समझिए ये सारे चीज एक सेल के अंतर्गत पाए जाते हैं, ठीक है। वो यूकेरियोटिक कोशिका जो होता है ना सेल, उसके अंतर्गत ये सारे रचनाएं पाई जाती हैं। तो इस तरह से आप इसे निश्चित रूप से कंफर्म करें कि कौन किसके अंतर्गत आता है। इतना सा आप क्लियर रखेंगे तो आपको सेल टॉपिक जो बड़ा इजी लगेगा, ठीक है। तो ये है ध्यान से, तो ये इसके आप फिर से मैं आपको करा दूं, यूकेरियोटिक कोशिका दो प्रकार के, दो तरह से यहां मिलता है, एक साइड सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, या सेल वॉल है जो ऊपर की बातें कवर में रूप में रहता है, बाह्य भित्तिक रूप में रहता है, और उसके बाद जो है उसके अंदर जो है जीव द्रव रचनाएं होती है, जीव द्रव जहां जहां पर जीवन होता है, इसके अंतर्गत क्या होती है, मैंने कोशिका भित्ति के अंदर जितने भी लिक्विड फॉर्म होंगे सबको हम जीव द्रव बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, अर्थात उसी का जब हम आगे डिटेल्स करते हैं मालूम चलता है कोशिका द्रव है जो केंद्रक और कोशिका भित्ति के मध्य में ये जो है इसी में बहुत सारे कोशिका बिखरे हुए होते हैं, ठीक है। तो कोशिका द्रव को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म या साइटोसोल, और दूसरा होता है केंद्रक जो बीच में होता है। अब उसके अंतर्गत दो रचनाएं होती है सजीव और निर्जीव। सजीव में क्या होती है सेंट्रोसोम होता है, राइबोसोम होता है, लाइसोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो ऊर्जा का पावर हाउस है, ठीक है। और उसके बाद इंडोप्लाज्मेटिकुलम है, इसी के ऊपर राइबोसोम चिकना और खुरदरा होता है, और ये प्लास्टिड है, लवक है, और ये गोल्जी बॉडी है, ठीक है। ये सारे रचनाएं हो गए सेल के अंतर्गत, है ना, कोशिका द्रव के अंतर्गत आने वाले सजीव रचनाएं हो गई, और कोशिका द्रव के अंतर्गत आने वाले निर्जीव रचनाएं होती है वसाकण, तेलकण, पित्तरस, श्रावित कणिकाएं जो होगी, और उसके बाद रसधानी होती है, वह रसधानी जो अमीबा में भोजन पचाने काम करता है, निकालने काम करता है, ठीक है। तो वैक्यूल्स, अब बात करते हैं इधर साइड में, ये केंद्रक है, तो केंद्रक जो बीच में यहां पर है, केंद्रक दिख रहे हो, तो केंद्रक अंदर क्या है, केंद्रिका जालिका है, केंद्रक जालिका भी है, केंद्रक बीच में लिक्विड फॉर्म है जो द्रव भी है, और बीच में क्या है केंद्रिका भी है। ये चार भाग केंद्रक में हो गई, ठीक है। तो इस तरह से हम एक चार्ट के माध्यम से इसका हम क्लासिफिकेशन कर लिए। उसके बाद एक एक करके है आपको, जैसे सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, फिर उसके बाद जीव द्रव रचना, ये सब आएगी, एक एक करके इसका पढ़ते हैं, तब हमें यूकेरियोटिक कोशिका के बारे में डिटेल जानकारी मिलती है, ठीक है।